अभी मेरे हाल फिलहाल बस एक प्ले चल रहा है, तो मैं वही करके बहुत खुश हूँ। और टीवी होएगा बहुत जल्दी, वेब सीरीज और ये सब की बातें हो रही हैं, एक शूट कर लिए अब वो रिलीज पे, तो जब रिलीज होगी तभी उसके बारे में वापस मिलेंगे और बात करेंगे। सब ठीक है, बस यही कहूँगा। और जैसा कि राजा ने बताया होगा, इट्स मोर अबाउट ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन वीमेन, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। और एक ऐसा थॉट है जो हकीकत नहीं है कि औरतें कमज़ोर होती हैं और नहीं कर पाती, ये इस चीज़ को डिफाई करता है। आज के दौर में औरतें उतनी ही पावरफुल है जितने आदमी हैं, मर्द है, और उतना ही अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकती है जिस तरह कोई आदमी रख सकता है। सो सब ठीक है, बेसिकली ऑल अबाउट दैट। तो किस तरीके से रिस्पॉन्स मिला है? रिस्पॉन्स अभी तो मिलना शुरू होगा, अभी तो एक ही स्क्रीनिंग हुई है एंड सब लोगों को पसंद ही आई है। सो होपफुली अभी और भी बाकी सब लोग आए हैं, जो गेस्ट आए हैं वो देखेंगे। सो आई एम वेरी श्योर कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस चीज़ को इंजॉय नहीं करेगा या इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगा या इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो टाइम आ गया है जहाँ पे यू सी वुमेन इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट एंड दे आर इक्वल। वो कहते हैं कंधे से कंधा मिला के आज हैं आदमियों के साथ, मर्द के साथ, हर क्षेत्र में। पहली डायरेक्शनल वेंचर है और मुझे बहुत इमोशनल लगी। इट्स एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज इन इंडिया, और बहुत इंस्पिरेशनल थी। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर राजा मुखर्जी कि उन्होंने बहुत बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर फिल्म्स विद हिम। गॉड ब्लेस। लवली, गुड, वंडरफुल, ऑल परफॉर्मेंसेस वेरी नाइस, वेरी गुड। बहुत बड़ा मैसेज है फिल्म में, कुछ क्या मैसेज है? एक्चुअली मैसेज ये है कि बेटी बेटी बेटा होती है। इट्स अ प्रूवन फैक्ट एक्चुअली। बहुत सालों से मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, हमेशा इट्स ऑलवेज बीन दैट गर्ल्स हैव ऑलवेज स्टूड बाय देयर पेरेंट्स एंड ऑल, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड और एक ये सच्चाई भी है कि लड़कियां हमेशा ये कोशिश करती हैं कि अपने पेरेंट्स से ना, जैसे माँ बाप कोशिश करते हैं कि वो सच्चाई बेटियों तक ना पहुँचाएँ, वैसे ही बेटियाँ भी यही कोशिश करती हैं कि उनको जिस चीज़ से तकलीफ होगी वो चीज़ उन्हें ना बताएँ, क्योंकि अल्टीमेटली पेरेंट्स को बहुत तकलीफ होती है अगर बेटियां कष्ट में होती हैं। सो आई फील दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट, बट ये हमेशा ही रहेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे पर सोसाइटी में ये चीज़ें हमेशा रहती हैं, इट्स ऑलवेज देयर। जैसे नॉर्मल हम देखे जाएंगे बट ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो हमेशा औरतों की ज़िंदगी में, ये इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। चाहे वो कितनी भी पढ़ लिख लेंगे लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका ससुराल कैसा है या आपका हस्बैंड कैसा है या आपके बच्चे आपके साथ क्या बिहेव, कैसे बिहेव करने वाले हैं। इट्स अ वेरी, मतलब ये आज नहीं, आज 20 साल पहले भी जाएंगे या 50 साल पहले भी जाएंगे और आगे के 50 साल बाद भी यही चीज़ें रहने वाली हैं। थोड़ी बहुत सिचुएशन ये होगी कि लड़कियाँ पढ़ लिख गई हैं, ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं, ज़्यादा कमाने लगी हैं, लड़कों की बराबरी पर या उनसे ये कहें कि बेहतर हो गई हैं, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा पार्ट एंड पार्सल रहने वाली हैं। क्योंकि औरतें हमेशा, औरतों को ना कमज़ोर माना जाता है पर औरतें कमज़ोर नहीं हैं। स्टॉप टॉकिंग सो मच। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपने लोग हैं। बहुत ही अच्छे लगे मुझे, लगा कि इतना स्ट्रॉन्ग जो थॉट प्रोसेस राजा ने सामने रखा है बहुत ही इम्पोर्टेंट था, खासकर आज के ज़माने में जिस तरह से all the girls and all the women are putting their foot down for their rights. I think ye bahut hi emotional aur connected wali film hogi, kyunki zyada tar aisa hota hai ki ladkiyan apne emotions ko khaas kar apne parents se chupati hain shaadi ke baad taki unhe takleef na ho, aur ye bahut hi khoobsurti se is film mein dikhaya gaya hai ki asli mein sab to theek nahi hai lekin hamesha ye kaha jata hai ki sab theek hai, don't worry, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे ही पेरेंट्स भी अपने बच्चों को नहीं बताते कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। आई थिंक बहुत ही टची है, बहुत ही डिफरेंट है ये स्टोरी, और हम लोग को ऐसी फिल्में ज़रूर बनानी चाहिए। ऐसी शॉर्ट फिल्म कितनी सार्थक रहती है? तो ये कमर्शियली तो सार्थक बिल्कुल नहीं रहती है, मैं आपको बताऊँ, लेकिन एक जागरूकता के विचार से ज़रूर रहती हैं, क्योंकि वक्त कम लगता है और जितनी पब्लिसिटी और जितने फिनेंशियल इनपुट्स जो बड़ी फिल्मों में लगते हैं वो इसमें नहीं होते। लेकिन आई थिंक एक अच्छे डायरेक्टर और एक्टर का प्रेजेंटेशन भी हो जाता है कभी कभी ऐसी अच्छी फिल्में बनाकर, सो आई थिंक दैट वेज इट इज़ अ फैबुलस थिंग। बहुत बहुत ठीक है,
एक बड़ा ही रेलेवेंट टॉपिक राजा ने उठाया है अबाउट हाउ चिल्ड्रन आर ट्रीटिंग देयर पेरेंट्स. सभी नहीं, बहुत से तो बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें बहुत सामने आती हैं. एक तो मेरे पास दो बेटियां हैं तो मैं जानता हूं मैं कितना खुशनसीब हूं. इसमें जो मधु जी ने काम किया है, जो बेटी का रोल किया है, वो फीलिंग जो जनरल ओपिनियन आती है कि जो बेटा होता है वो गद्दार निकलता है और जो बेटी है वो अपने घर को संभालती है. और जो सब ठीक है, टाइटल बड़ा अच्छा निभाया है कि यहाँ लड़की की शादी हो जाती है, अमेरिका चली जाती है, वहाँ बदतमीजी करता है उनका पति उनके साथ, यहाँ इनके पिताजी चले जाते, स्वर्गवास हो जाता है उनका. इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, माँ अपनी बेटी से कहती है यहाँ सब ठीक है, बेटी कहती है यहाँ सब नहीं, राइट. आई मीन आई वुड से कि ये फुल लेंथ फीचर फिल्म लगती है, 28 मिनट में लगता है कि हमने फुल लेंथ फीचर फिल्म देख ली. और राजा इज़ अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ माइंड, बड़े उनके ग्रैंडफादर शशाधर मुखर्जी साहब, मैं बचपन में उनको मिल चुका हूँ जब मेरी उम्र थी 10 साल की, और लकली थ्रू माई फादर, बड़े अच्छे जीन्स हैं इसके अंदर. ये बड़ा गुणी लड़का है और बड़ा टैलेंटेड डायरेक्टर बनने के आसार नज़र आते हैं. और मुझे फिल्म बहुत पसंद आई. आई वुड एडवोकेट, आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू सी दिस फिल्म. आंसू टपक ही पड़ते हैं, एक हद तक हम रोकने की कोशिश करते हैं आंसू, लेकिन होता नहीं और आंसू आ ही जाते हैं. बहुत ही प्यारी फिल्म बनाई है. सर, आप अपनी शेर व शायरी के लिए जाने जाते हैं, तो इस फिल्म के लिए एक कोई शेर अगर आप डेडिकेट कर सके तो. देखिए, अगर आप अचानक सब ठीक है पर कुछ क्या बोलें, लेकिन अगर दिमाग में जो जहन में बात अचानक आती है, मुझे तो पता नहीं था आपके दिमाग में शेर व शायरी की बात आएगी अभी. एक आप सबसे भीख है, एक सब आपसे, एक आप सबसे भीख है, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए तो सब ठीक है. एक्चुअली बहुत सालों से मैं वेट कर रही थी कि यू नो आई गेट अ चांस टू वर्क इन अ हिंदी फिल्म. दो तीन साल, चार साल से मैं काम कर रही हूँ साउथ इंडियन फिल्म्स में, एंड आई ऑलवेज फेल्ट आई हैव टू डू समथिंग इन हिंदी. सो वन डे व्हेन आई वाज विद राजा, ही नरेटेड दिस स्टोरी एंड आई सेड यस. And you know, this is exactly the kind of story that I was looking at, emotional mother daughter, and it's about emotions, and it was shot so quickly. और बहुत मज़ा आया राजा के साथ काम करके, बिकॉज यू नो आजकल ऐसा हो गया है कि आपको ऑडिशन करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होते हैं, लुक टेस्ट होते हैं, एंड ही जस्ट सेट करते हैं साथ में, एंड द स्टोरी वॉज सो इंटरेस्टिंग एंड आई डिड इट. एंड दिस जी शॉर्ट फिल्म में काम करना कितना आसान रहा है? सी, एक्टिंग इज़ बेसिकली अबाउट फीलिंग, और अगर वो शॉर्ट फिल्म है या फुल लेंथ फिल्म है, आई डोंट थिंक उससे एक एक्टर को फ़र्क पड़ता है. फॉर मी इट्स जस्ट द स्टोरी एंड हाउ आई इमोट एंड हाउ आई फील. सो इट बिकेम ईजी बिकॉज इट वॉज शॉर्ट इन अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन. तो पहली बार मैं घर से निकल के जब मैंने ये किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट माई चिल्ड्रन आर वॉचिंग. उनको पता है कि मैं काम करती हूँ, आई गो डाउन टू चेन्नई और वेर एवर, और मम्मी कहाँ है, शूटिंग पर है, बट दिस इज़ समथिंग दैट दे आर वॉचिंग एंड आई फील वेरी हैप्पी दैट आई डिड दिस. एंड दिस इज़ लाइक समथिंग दैट आई वॉन्ट, जस्ट यू नो यू स्टार्ट एंड देन मेनी थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग. कलीग फ्रेंड्स और या आई थिंक राजा हैज शोन इट टू रानी एंड यू नो मिस्टर चोपड़ा एंड आई थिंक दे लव्ड इट. मेरे फ्रेंड्स पता नहीं किसने देखा, आई एम वेरी शाय. मैं पहली बार मतलब अपने फिल्म के स्क्रीनिंग पे आई हूँ, अदरवाइज आई नेवर गो फॉर माई फिल्म एंड माई स्क्रीनिंग, आई एम वेरी शाय, आई स्टे अवे. मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि अगर आपको पिक्चर अच्छी लगी तो आप देखिए, और ना अच्छी लगी तो दैट्स ओके. आई डोंट लाइक टू बी प्रेजेंट एंड हियर आई एम प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. आई एम वेरी नर्वस, सो आई नेवर हैव अ ट्रायल. राजा ने बहुत दफ़ा कहा मेरे से कि रखो ट्रायल, रखो अपने दोस्तों को बुलाओ, दिखाओ. आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने अभी तक पिक्चर नहीं देखी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू सी. आप सब ने देखी है, राजा ने बहुत दफ़े देखी, मेरी छोटी बेबी ने देखा है उनके घर में, और सारे लोगों ने मतलब रानी और दूसरे लोगों को जिनको राजा ने दिखाया देखे हैं, बट आई हैव नॉट सीन.
सो अब जैसे मुझे ऐसे थोड़ा सा लग रहा है कि लोगों को पसंद आई, मेरी फ्रेंड यहाँ सुचित्रा हैं, उन्होंने प्रोमो देखा, उनको अच्छा लगा, तो अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मे बी आई कैन वॉच इट, अदरवाइज आई एम वेरी नर्वस. सब कुछ ठीक है, टाइटल नहीं है, सब ठीक है, टाइटल है. पहली बात आप टाइटल ज़रा सही बोलिए. हाँ. ये डायरेक्टेड बाय राजा मुखर्जी है, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, जब से इंडस्ट्री में हूँ तब से जानती हूँ. औरतों के, महिलाओं के बारे में है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ये जितने जितनी बार महिला के ऊपर किसी तरह का एक कहते हैं कि बातचीत होवे या फिर किसी तरह का एक निकालते हैं मोर्चा या फिर बातें, या हमेशा महिला महिला महिला, कोई सिंपथी के लिए, कोई विक्टम के लिए, कोई विक्टम बनता है तो कोई सिंपथी गेन करता है, हर चीज़ में महिला को लेकर के एक सब्जेक्ट होता है जो बहुत ज़रूरी है और हमेशा ज़रूरी होना चाहिए. रहा सवाल कलयुग है, कलयुग का ज़माना कुछ और है, महिला महिलाओं को लेते हुए कुछ दौर ऐसा चलता है, कभी किसी परसेंटेज के हिसाब से महिला, मैं सब्जेक्ट पे जाऊंगी, पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कलयुग को लेते हुए आती है जहन में, जहां महिला का सवाल आता है, ये सब्जेक्ट जो है महिला के ऊपर है, बेटी और माँ के ऊपर है. बेटी नहीं चाहती माँ को असलियत मालूम पड़े, माँ नहीं चाहती है बेटी को असलियत मालूम, एक दूसरे के दिलों में दर्द ना हो, एक दूसरे के दिलों में कुछ ऐसा. और कहते हैं ना कि दिल भी औरतों का ज़्यादा धड़कता है. पावरफुल महिला हमेशा पहला पावरफुल रहती हैं, हमेशा पावरफुल रहती हैं, होती हैं. कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी की सच्चाई होती हैं जो अपने आप में खुद को मिटाते हुए अपने इमोशंस, अपनी खुशियां, अपना दर्द, अपना सब कुछ ज़िंदगी की दौड़ में चलती जाती है, उसका नाम है महिला. तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो महिला के ऊपर जो राजा ने बनाई है, सब ठीक है. आपने एक विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ऐसा एक सब्जेक्ट है जो दिलो जान को छू जाएगा, पर ऐसा ना सोचिए आज स्क्रीनिंग है और कल भूल जाएगा, इसे याद रखिए, इसमें कोई सीख लीजिए और महिला के प्रति कुछ ना कुछ करने का प्रयोग कीजिए. जय हिंद.